कैसे हैं आप सब? छोटे वाले बच्चे कैसे हैं? ठीक है? और बड़े वाले बच्चे कैसे हैं? और उससे भी ज्यादा बड़े वाले बच्चे ठीक हैं? चलिए, वेरी गुड। अपने लिए खुद तालियां बजा दो। क्या याद करोगे? ऑलराइट जी, यू आर वॉचिंग द वीकेंड शो। और कल हमने अपने नए सेट का इफ्तिताह किया, लॉन्च किया। आप लोगों को हमारा सेट कैसा लग रहा है? आपकी पज़ीराई बहुत जरूरी है, तालियों में पता चलेगा। अच्छा, आज का प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब बात नाज़रीन हम करते हैं एंटरटेनमेंट की, वीकेंड की जब हम बात करते हैं, तो वीकेंड के ऊपर खास तौर पे जितने भी मर्द हज़रात होते हैं, ख़वातीन होती हैं, फैमिलीज होती हैं, वो प्लेस का बड़ा इंतजार कर रही होती हैं। वीकडेज पे भी अगर आप देखें तो 8 से 7 बजे से ऑनवर्ड जो है, जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, चाहे लड़के हों, लड़कियाँ हों, बच्चे हों, बच्चियाँ हों, अपनी पढ़ाई से ब्रेक लेने के लिए प्लेस ज़रूर देखते हैं। ए प्लस को, ए नेटवर्क को हमेशा ये सहरा दिया गया है और ये क्रेडिट जाता है कि चाहे एटीवी की हम बात करें या ए प्लस की बात करें, हमेशा फैमिली ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने की है। हमेशा उसके अंदर ऐसी मौजूदात के ऊपर, ऐसे टॉपिक्स पे बात की गई है कि हर कोई इसके साथ रिलेट कर सकता है। एक ऐसा ड्रामा सीरियल जो इस वक्त ए प्लस की स्क्रीन की जीनत बना हुआ है, और आप मंडे टू थर्सडे इसको देखते हैं। इसके नए टाइमिंग्स नेक्स्ट वीकेंड से, वीकडे से ऑनवर्ड्स होने वाले, वो टाइमिंग्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। सकीना, सकीना कितने लोगों को ये? अच्छा, अभी मैंने नाम हौसला पाकिस्तानियों, मतलब के नाम तो लेने दिया करो, बट सकीना एक ऐसा सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल है जिसकी 4 एपिसोड्स आप देख चुके हैं और मंडे टू थर्सडे ये ऑन एयर आता है। आज हमने ये सोचा, ड्रामा तो आप देखते हैं, कैरेक्टर्स को भी आप देखते हैं, सकीना के साथ क्या क्या कुछ अभी तक हो चुका है, आगे भी बड़ा कुछ होने वाला है। मतलब रोती रहती है हर वक्त, इसका रोना ही नहीं खत्म होता। ये भी हम जानेंगे कि क्यों रोना खत्म नहीं होता। लेकिन हमने ये सोचा कि आज वीकेंड शो के इस नए सेट के ऊपर सकीना की कास्ट को बुलाया जाए, तो मिलना चाहेंगे? अरे अरे, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा हौसला, क्योंकि मैं चाहूंगी कि पहले हम जितने भी घर बैठी ऑडियंस है उसको सकीना का प्रोमो दिखाएं, और उसके बाद वापस आएंगे और फिर हम कास्ट को बुलाएंगे। जी दिखाइए प्रोमो करें। वैसे तो इनको जब जब जिस जिस रूप में हमने देखा है, इनका क्या, मैं इनका मेरा ऐसा मजाक है, मैं इनको कह सकती हूँ ऐसे इच्छाधारी नाग हैं ये, कि जो रूप धार लेते हैं बस वो रूप जो है लोगों को इतना पसंद आता है। और इनको ये क्रेडिट जाता है कि चाहे नेशनल लेवल के ऊपर या इंटरनेशनल लेवल्स पे तो आपको अवार्ड्स मिलते रहते हैं, लेकिन जो अवाम के दिल में जो मोहब्बत है और जो खास जगह है, वो आज के मेरे इस मेहमान, पहली जो शख्सियत है इन्होंने बनाई है। सो मैं चाहूंगी बहुत अच्छा, और आएंगे बड़ी अपने तरीके से। ये जी आपने डांस डूंस थोड़ा सा करते कुरते आने, क्योंकि कहते हैं कि दिल तो बच्चा है जी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वन ऑफ द लेजेंड्स वी हैव, औरंगजेब लगारी साहब। कोई मना आ गया ना आपको? वैसे मैं बैठने के लिए नहीं, क्यों बैठने के लिए? कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। क्या हाल है आपका? खैरियत से? बिल्कुल सही, थैंक यू। दिल तो बच्चा है जी? हाँ, बहुत बच्चा। बहुत बच्चे से नहीं लग रहे, मासूम से है ना? बहुत मासूम से शक्ल, मासूमियत से क्लैप हो जाए। आज प्लीज बैठे। और इनसे साहब, आज आपने राज बताना है प्लीज, कि ये जो नाग हैं, इच्छाधारी नाग होते हैं, कि ये मतलब रूप तो धार लेते हैं। आप एजलेस हैं, आप ये जन्म भी लेते हैं? कौन सा वाला जन्म चल रहा है ये भी हम जानेंगे। अच्छा जी, बात हम करते हैं सकीना ड्रामा सीरियल की, तो इसका मरकजी किरदार मेरी जिस मेहमान शख्सियत ने अदा किया है, इतने भारी भारी लफ्ज में उसके लिए बोल रही हूँ, हालांकि इतनी छोटी सी है और एज अ चाइल्ड स्टार आई थी और हर वक्त रोती रहती है। भाई क्या मसला, क्या इस उम्र के अंदर जो रोने धन रोने वाले कैरेक्टर्स करती है, आज हम जानेंगे। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर फारिया वसीम। म्यूजिक
खत्म कर लें पहले, हो गया खत्म, और तो नहीं कुछ करना, चलें बहुत चुप। क्या तुम्हारे साथ मसला क्या? अस्सलाम वालेकुम पहले तो। वालेकुम सलाम। रोती हो तुम्हें क्या मसले है? ये लोगों को बड़ा पसंद है मेरा रोना। क्यों? मुझे अक्सर कमेंट्स में आ रहा होता है आप रोते बड़ी अच्छी लगती है। रोज़ रो के दिखाओ। नहीं मैं इतना रोई हूँ कि मेरा दिल ही नहीं करता रोने को। अच्छा तुम्हें कोई रुलाए तो कैसी शक्ल बनाती हो रोते हुए बताओ? ये तो ऑडियंस बता सकती है। सकीना दी इस कैमरे के अंदर बताओ ना, रो के कैसे बताओ? वो तो रोती रहती हूँ ना, वही तो कह रही हूँ। मैं फिर अब तो मैं चाहती हूँ कि मैं हंसूं। अच्छा हंस के दिखाओ। अच्छा समझो तुम्हारी 5 करोड़ की लॉटरी निकल आई, वो कैसी हंसी होगी? समझो पता चले कि जिसने तुमने शादी करनी है तुम उसको रंगे हाथों पकड़ लो मॉल में किसी और को शॉपिंग कराते हुए। अच्छा नहीं तो इस पे हंसना? हाँ उस पे पागलों वाला, उसको हंसाओगी कैसे? अच्छा प्लीज बैठो। ओके जी अब इससे भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। अच्छा जी मेरी जो दूसरी मेहमान शख्सियत है गैन, शी इज़ वेरी टैलेंटेड। आपने इनको बहुत सारे ड्रामा सीरियल्स में देखा है एंड जो जो काम करती हैं बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। सकीना ड्रामा सीरियल में इनका किरदार कैसा है? लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर लाइबा चौधरी। लाइबा तुम तो नहीं रोती हो? नहीं मुझे लगता है तुम रुलाने वाले हो। रुलाने वाले? ये रुलाने वाले मुझे लग रही है ना, है ना? तालियों से पता चलेगा सबको। हंसाती हो? आ जाओ बैठो। अच्छा वैसे सेट पे कितना हंसाया किसने ये भी हम जानेंगे। अच्छा जी जब बात आती है किसी भी प्रोजेक्ट की, खासतौर पे हम अगर ड्रामे की बात करते हैं तो उसमें क्या चीज किस तरह करनी है, कैमरामैन, सेट डिजाइनिंग, एवरीथिंग, एक्टर्स का ख्याल रखना, ये तमाम का तमाम जो जिम्मेदारी होती है वो एक डायरेक्टर जो है उसको दी जाती है और सौंपी जाती है। और अगर हम सकीना ड्रामा सीरियल के डायरेक्टर की बात करें तो अगेन ही इज वेरी टैलेंटेड, क्योंकि ये पहले भी आ चुके हैं हमारे वीकेंड शो पे और इन्होंने भाई ड्रामा सीरियल भी डायरेक्ट किया था, उसकी कास्ट के साथ हम आए थे। सो अगेन किसी से ढका छुपा नाम नहीं है। और एक और मैं जरूर बताना चाहूंगी शोएब के बारे में बात की, ही इज नाउ मेकिंग अ फिल्म। वो फिल्म की जो डायरेक्शन है और उसका काम है वो कैसा चल रहा है वो भी हम जानेंगे। प्लीज और खुद भी हीरो से कम नहीं है भाई। मैंने कहा कि भाई ये पहला डायरेक्टर है कि जिसके बाल हीरो से ज्यादा जेल बैक हुए होते हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शोएब खान। ये देखें इज्जत डायरेक्टर की, तुम दोनों ना खड़ी हुई और दोबारा खड़ी हो। म्यूजिक बजाए, आप दोबारा एंट्री दें, चले दोबारा दें। अब सही हो गया शोएब? हां डन हो गया। थैंक यू तो करने। थैंक यू वेरी मच। ये केमिस्ट्री मिलती है, मैच करती है हमारी। अच्छा जी जब बात आती है डायरेक्टर की या किसी भी प्रोजेक्ट की बात आती है उसको फाइनेंस करना, अब फाइनेंस करना बड़ा मुश्किल सा काम होता है क्योंकि अपनी जेब से जब पैसे जा रहे होते हैं तो बड़ा दिल जिगरा और गुगा चाहिए होता है। और कितनी चेक बुक्स खाली हुई सकीना ड्रामा सीरियल बनाने के लिए ये तो हम जानेंगे खुर्रम से। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर खुर्रम चौधरी। भाई इतनी इज्जत प्रोड्यूसर को दी गई इसका मतलब टाइम पे पेमेंट हुई है खुर्रम ने की है भाई, ये हो जाए बात। अच्छा मुझे ये नहीं समझे खुर्रम बैठे आप जब आए वो 4 लोग पीछे क्यों खड़े हुए हैं? वो 4 लोग कौन है? वो हमारी टीम का बेसिकली हिस्सा है। हाँ। सकीना के तो मैं मतलब किसी वक्त तो चाहूंगा कि वो भी हमें ज्वाइन करें इधर। हाँ। तो जरा थोड़ा सा उनको भी है क्योंकि जब भी कभी भी कोई चीज बनाई जाती है ना तो जैसे ड्रामा हम लोग देखते हैं तो हम लोग सब देखते साथ कहते हैं कि यार ये डेड फ्लॉप है या अच्छा है। हाँ। लेकिन असल मेहनत जो है वो टेक्निकल स्टाफ, प्रोडक्शन स्टाफ, अनडाउटेडली। अच्छा और आप देख रहे हैं कि जितने भी प्रोड्यूसर्स मेरे शो में हैं बड़े शरीफ होते हैं, इसीलिए जो है ना वो शराफत में सारा काम हो जाता है। इसी कुरम की शक्ल से शराफत पता चली और पेमेंट्स भी टाइम पे दे दी थी। अच्छा जल्दी से मैं अपने अगले मेहमान को बुलाती हूँ। अगेन ही इज वेरी टैलेंटेड, ही हैज गॉट अ वेरी फ्रेश वॉइस और बड़ी प्यारे मजे की आवाज है इनकी, पहले भी आ चुके हैं शो में और सकीना ड्रामा सीरियल का OST इन्होंने गाया। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर तलत शाह। अस्सलाम वालेकुम। तलत कैसे हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह। पेमेंट हो गई थी फॉरम ने कर दी थी सबसे पहले। तुम्हें कैसे पता? क्या पता उसमें कहो सबको कि मैंने आपको सबसे पहले कर दी थी। मेरा अच्छा कलेक्शन है, मेरी रिप्यूट है, मैं बहुत अच्छा पे मास्टर हूं। आप जैसे तो पाकिस्तान में बांट देने चाहिए। मेरा ख्याल है
हमारे आर्टिस्ट भी साथ हैं, डायरेक्टर भी साथ हैं, आप इनसे भी पूछ सकती हैं कि मैंने पहले एडवांस में ही सबको पेमेंट कर दी। नहीं, कभी भी नहीं एडवांस में। नहीं, तकरीबन 25% ही करते हैं ना एडवांस। 25% दे भी दी, बड़ी बात है। और इस बारे में लाइवा बहुत अच्छी तरह बता सकती है, क्योंकि इनका पहला प्रोजेक्ट था। चेक बाउंस तो नहीं हुआ, सच बताओ? वो बालों में बाउंस दे रही है। अच्छा जी, बातचीत चलती रहेगी सकीना ड्रामा सीरियल की। कास्ट कुछ ऐसे कास्ट मेंबर्स हैं जो नहीं आ सके, उनका हम जरूर प्रोग्राम के अंदर आगे जिक्र करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगी कि वीकेंड शो के अंदर सकीना ड्रामा सीरियल की कास्ट तो आ चुकी है, लेकिन एक और मेरे यंग टैलेंटेड मेहमान है, उनकी मधुर आवाज में हम एक बहुत खूबसूरत सा एक कलाम सुनेंगे। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वासिक मलिक, और बाय प्रोफेशन अदरवाइज ही इज एन इंजीनियर एंड ही इज वेरी टैलेंटेड। साहिर अली बग्गा ने इनके जो सारे गाने हैं उनको कंपोज किया है। सो बहुत सी तालियों में वासिक। Yeah.
सोना है ना ही ये चांदी है ना ये सहेली ना पहेली है ये जिंदगी है ये जिंदगी सात रंगों में गूंधी हुई जिंदगी है ये जिंदगी है ये जिंदगी रंग न मिल पाए तो सौ सौ बल खाती है बेचारी बेजोड़ मोहब्बत जा से गुजर जाती है कभी लबों की लाली कभी कानों की बाली कभी पतझड़ के जैसी रूखी भी है ये जिंदगी है ये जिंदगी देखा जो कुछ भी हो सारा सच नहीं होता जिस तन लागे वो तन जाने बाकी सब कुछ धोखा कभी ये माशा है कभी ये तोला है कभी है पत्थर कभी मोम जैसी है ये जिंदगी है ये जिंदगी सात रंगों में गूंधी हुई जिंदगी है ये जिंदगी है ये जिंदगी है ये जिंदगी अमेजिंग और मैं भी शोएब को यही कह रही थी कि ये एक लेवल का लग रहा है कि जो हमारी पाकिस्तानी फिल्म्स के अंदर जो म्यूजिक की कहीं ना कहीं कमी लगती है ना ये उस कमी को पूरा कर रहा है अमेजिंग ब्यूटीफुल अच्छा इस ओएसडी के अंदर आपको पूरा अगर आपने गौर से तमाम अल्फाज सुने हो जुमले सुने हो तो लिरिक्स अगर सुने हो तो आपको पूरी कहानी पता चल जाती है कि कहानी की स्टोरी क्या होगी और किस तरह ट्विस्ट एंड टर्न्स देंगी अच्छा ऑरेंज साहब ये बताइए कैसा लगा गाना ये बड़ा प्यारा लग रहा था गाना आपने क्यों नहीं देखने में ऐसा मुस्कीन मुस्कीन लगता है गाना कितना अच्छा रहा आ कितना ऊंचा बड़ा अच्छा वाह एक चीज ऐड करना चाहूंगा अभी लिरिक्स की आपने बात की तो अयूब खावर सर हैं इनके राइटर जिन्होंने ये लिरिसिस्ट जो है अयूब साहब तो खैर इज अ ह्यूज नेम और फिर इसको हमने फीमेल सिंगर ने भी गाया हुआ बीना खान बीना खान बीना खान ने गाया और नवीद के बारे में कहना चाहूंगा नवीद बिल्कुल यंग है और नवीद का मेरा फर्स्ट अट्रैक्शन था इस सकीना को लेकर जब हमारी मीटिंग हुई तो वो थोड़ा सा उसके माइंड में भी चीजें थी और मेरे माइंड में भी चीजें थी फिर हमने बातें की फिर हमने एक दूसरे को चैलेंज दिया उसने कहा ठीक है फिर आपको मैं बड़ा अच्छा बना के दूंगा ऑडियो मैंने कहा ठीक है हम वीडियो भी उस लेवल की शूट करेंगे फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई फिर खुरम ने भी मतलब इसको सुना तो फिर हमने अपनी जो फिल्म का जब प्लान किया हमारी फिल्म का म्यूजिक भी नवीद ही कर रहा है 100 करोड़ की जी खुरम आपके पास बहुत पैसा है कि फिल्म का नाम भी मैंने कहा शायद 1 करोड़ की है ना 1 करोड़ नाम है ये अभी फिलहाल वर्किंग टाइटल है हम मे भी चेंज कर रहे हैं इतना पैसा है इनके पास कि नाम भी 100 करोड़ रखा टैक्स वाले नाना पीछे पड़ जाए मैंने कहा नाम सबसे पहले चेंज नाम 25% पेमेंट कर देते बाकी रह क्या जाता है भाई पहले
मेरे तो हजम है, पूरे प्रोग्राम में ये है कि 25% कर देता हूँ, 75% रह जाती है, इसीलिए बार बार मुझे देख रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ तुम लड़कियों की आपस में कोई कैट शेड फाइट हुई है? नहीं नहीं शोएब, ये तो आप ही बता रहे हैं। नहीं इनका कोई आपस में ऐसा सच में साथ इतना भी मुझे वो बता रही थी इस तरह करो लाइक। अच्छा, हाँ, तो तुम्हें कभी हुआ नहीं? क्योंकि ये बड़ा होता है एक्ट्रेसेस के बीच के अंदर के तुमने क्यों मुझे बताया या तुम कौन होती हो, या मैं खुद पूछ रही होती थी कि किस तरह से करूं। ये इनिशियली नहीं होता, जब नई नई आती है उस वक्त नहीं होता। ड्रामों के बाद ये ड्रामों के बाद नहीं, जब थोड़ा सा दिमाग फिर होता है, फिर होता है दिमाग कभी भी घूम सकता है, लेकिन मेरा मेरी कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? लेकिन तुम्हारे दिमाग उसका घूमता है जिसका हो तो। अच्छा वैसे तुमने अपनी आंखों के सामने देखा लोगों का दिमाग घूमते हुए? मैंने तो अपनी आंखों के सामने विटनेस किया है। हाँ, लोगों का दिमाग घूमता है, देखा है। कि सलाम भी ना करें? हाँ, लेकिन ये लाइक देख के भूल जाए कि देखा भी है। हाँ, था ट्रेंड किसी टाइम पे, लेकिन अब नहीं है। अब लोग अवॉइड करते हैं। अगर आप में थोड़ा सा भी टेंटम दिखाएंगे कहते हैं यार छोड़ो यार, अब नहीं है। अच्छा लेकिन ऑरेंज फॉर्म आपसे मैं जरूर पूछना चाहूंगी, बिकॉज आपने उस गोल्डन एरा में भी काम किया हुआ है और स्टार्ट ही आप उनमें से पायनियर्स में से जिन्होंने एक चैनल हुआ करता तो सड़कें खाली होती थी और प्लेज आया करते थे, तब फैमिली ओरिएंटेड माहौल होता था। ऑन स्क्रीन तो केमिस्ट्री नजर आती थी, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी सारे बैठ के चाहे नीचे जमीन पे ही फर्श के ऊपर खाना खा रहे हैं, एक दूसरे के साथ हाल अहवाल पूछें, वो कमी आपको अब नजर आती है कि नहीं? हाँ, फैल गया जाहिर है, तो वो तो बात नहीं रही। एक हफ्ते में एक प्ले होता था, एक सीरियल चल रहा है ना, तो वो एक जुम्मे को या एतवार को एक वक्त में होता था, हम सारे आर्टिस्ट इकट्ठे बैठ के उसको देखते थे, तो इसी तरह देखने वाले भी थे, इकट्ठे होते थे, और वो एक मोहल्ले में एक टीवी होता था, मोहल्ले वाले इकट्ठे होके वो देखा करते थे। वो तो बारिश से एक ऐसा सीरियल हमारा आया जिसने मैं समझता हूँ कि टीवी खरीदने सिखा दिए इन लोगों ने, जेवर भी बेचे तो लिए, तो बारिश के बाद तो बारिश से ये टेंडेंसी हुई, और उसके बाद जब ये आपके सेटेलाइट और ये आ गई और चैनल्स बढ़ गए, अब तो इतने चैनल्स हैं कि टीवी पीछे रह गया पीटीवी, और आगे लोगों ने अब इतना 99% काम तो बाहर हो रहा है, और बाहर अफसोस की बात यह है कि देखो शोएब साहब खुरमजा इन लोगों की हिम्मत है कि इतने अच्छे अच्छे ड्रामे बना लेते हैं, बावजूद इसके कि इनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, कोई स्टूडियोज नहीं है, कोई वो जो जरूरतें होती हैं हमारी उनके पास नहीं होती, अपने ही जेब से करके अपने ही बना के सारा कुछ मैनेज करके, और ये वाहिद कौम है खुरम साहब जैसी हमारी फील्ड की, और हैट्स ऑफ टू देम कि सारा कुछ अपनी जेब से लगाते हैं, पैसे खर्च करते हैं और फिर टैक्स भी देके घर बैठ जाते हैं। अब मुस्कुराते भी हैं, मुस्कुराहट पे फोकस करें प्लीज खुर्रम की। मैं कहती हूँ आपकी ना फोटो को कॉपी करा के हर सुबह मैं पांच छह बांट देते मेरे ख्याल में, अपने अपने पास भी रखे हैं यहाँ पे भी इस डिपार्टमेंट में भी। हाँ अच्छा शोएब, लेकिन मुझे एक बात बताए, अच्छा शोएब को कभी आप लोगों ने कहा नहीं कि शोएब भी एक्टिंग करे? मैंने तो बहुत दफा कहा, मैंने तो बल्कि कहा कि हम एक्टिंग ही इसलिए पहले तो की है, इस वजह से नहीं की, ये रोती बहुत है, इन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं पीछे ठीक हूं। शोएब तो डायरेक्शन में इतना शर्माता है, हो सकता कोई सरप्राइज हमने रखा हो 100 करोड़ में कुछ आया। शोएब मुझे बता, गुस्सा आता है शोएब को कि नहीं? कैसा है डायरेक्टर? हंसते रहते हैं, कुछ गलत भी बोलो तो हंसते रहते। अच्छा, कईयों के हंसी में भी गुस्सा होता है? नहीं, और बताएंगे भी तो हंस के बताएंगे, अच्छे इस तरह कर। कैसे हंस के बताते हैं? मतलब अब तुमने डायलॉग गलत गाया है। हाँ, तो बोले जैसे अभी स्माइल एग्जैक्ट, अब तुम खड़ी हो, इधर आओ, छोड़ दो, इधर आए शोएब आप, इधर आए जरा, गायब हो जाए भाई, आ जाओ उनके साथ शबीर जान साहब काफी सीनियर थे, और मुझे होता था कि मैंने बदतमीजी, मेरे कुछ ऐसे थे मुझे बदतमीजी करनी है। तुम डायलॉग बोलो बदतमीजी वाला ऐसी की तैसी। मैं कहती हूँ मुझे शादी नहीं करनी है, और मैं क्यों शादी करूँ जो कल को मेरे दरवाजे खोलता था, अब मैं आज उसको अपना मजाजी खुदा मानूं? लबा वो
ऐसे भी कर सकते वो भी ऐड कर दे जरा प्लीज जरा सा इसको ना थोड़ा इस तरह से ऐसे ना कर यार ये शो है ये आप करते हैं कसम से पूछे इतना टाइम नहीं लेता अगर औरंगजेब साहब खैर ऑब्वियसली ही इज अ लेजेंड लेकिन हो सकता है कि कुछ आप चाह रहे कुछ और लेकिन ये कुछ और कर रहे हैं तो आप हाँ मैं कहता उल्टा मैं पूछता था हाँ शबे शॉट ओके ठीक था हाँ बिल्कुल ठीक सुनो अब ठीक नहीं है वो है तो इन्हें पता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे करना था भाई वो ठीक था ओके ओके था ना हाँ हाँ मैं भी सोच रहा था कि औरंगजेब साहब थे सलमान शाही साहब हैं शबीर जान साहब थे संगीता अपा हैं मतलब इन लोगों में देखा कि वो जो हम बात कर रहे थे टेंट्रम और ये चीजें मतलब ऑन सेट इन लोगों में ये चीज नहीं है मे बी इनकी ग्रूमिंग ऐसी हुई है कि मतलब अब सलमान शाही साहब ने इतना काम किया उसके बाद भी अगर कुछ चीज मुझे समझ नहीं आई तो मैंने कहा कि सर ऐसे नहीं ऐसे ठीक है यार नेक्स्ट टेक में ऐसे कर लेंगे तो ये क्रेडिट जाता है कि इनकी ग्रूमिंग इन लोगों की ऐसी हुई है कि टेंट्रम वाली बात ही नहीं है नहीं इसमें कोई शक नहीं इंस्टीट्यूट है और अल्लाह ताला ऐसे ही नहीं इज्जत देता है एक मकाम बनाने के लिए और लोगों के दिलों में घर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है जो औरंगजेब साहब और हमारे जितने सीनियर्स हैं उन्होंने की है एंड अनडाउटेडली इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं लेकिन आप समझ आ गई कि अब आप कैसे सिखाते हैं औरंगजेब साहब को और जूनियर्स को बाकियों को अच्छा ब्रेक लेने कौन लेगा ब्रेक कौन है शेर या शेरनी जो ब्रेक लेगी बात होती है तो शेरनी ज्यादा बेस्ट रहेंगी मैंने रोते हुए तुम मैंने हंसते हुए देखना ही नहीं तुम्हें छोड़ दो बस रोते हुए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद अच्छा जी भाई गेम के लिए तैयार हैं कि नहीं नहीं इस तरह नहीं क्लैपिंग में और हूटिंग से पता चलेगा होगा कुछ यूं कि हमारे पास दो टीम्स ऑलरेडी हैं तीन लोग इस साइड पे हैं तीन लोग इस साइड पे हैं तलत आप साइड पे रख दें चाय का कप क्योंकि अब हमने जरा गेम जो करवानी है हाँ हमने जी जो फॉर एग्जाम्पल ये टीम ए और टीम बी है टीम ए में से अगर हम लाइबा को ये पहनाएंगे और म्यूजिक चलाना शुरू करेंगे तो टीम बी में से फॉर एग्जाम्पल खुर्रम या औरंगजेब साहब या हमारी सकीना जो है एक लव बोलेंगी और आपको 10 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा 10 से चलो भाई 12 सेकंड कर लो 12 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आपने वो लव आपने पहचानना है और आपने एक्ट आउट नहीं करना आपने सिर्फ मुंह से बोलना है फॉर एग्जाम्पल लाइबा तुम ये लगाओ ठीक है जी अब जी इनको लग जाएगा मैं म्यूजिक ऑन करूंगी तो मैं बोलूंगी पाकिस्तान पाकिस्तान तो अभी तो म्यूजिक नहीं लगा जैसे ऑन होगा तो आपने 12 सेकंड्स में गेस करना है और जो टीम जीतेगी वो विनर होगी क्या मिलेगा आपको जो मिलेगा वो कभी ना मिला आपको वो शो के एंड में बताऊंगी मैं क्या मिलेगा अच्छा जी कहां से स्टार्ट करें डायरेक्टर साहब से अच्छा इस साइड से करें शुरू इस साइड से अच्छा जी सकीना से करें स्टार्ट चलो जी आ जाओ सकीना तुम आ जाओ और ये पहनो इसको ये पकड़ो और मैं तुम्हें अच्छा इधर से कौन बूझना उसको करना चाहेगा चैलेंज शोएब आप कर ले ठीक है जी अब मैं म्यूजिक चलाने लगी हूँ और इसका म्यूजिक मैं चलाऊंगी तालियां तो बजा दो पाकिस्तानियों ऑलराइट जी म्यूजिक चल रहा है चले जी गेस कर सिंड्रेला सकीना अच्छा नहीं तुम ही बोलोगे सनरेला सकीना सनरेला शफकत मेला सनरेला सीरियल सनरेला रेला अपने ड्रामों की पब्लिसिटी कर रही है सनरेला एक वर्ड सन धड़कन ओ चलो जी धड़कन तक पहुंच गई और रहने दे अच्छा जी अब जरा उतारे क्या लव्स था ऑडियंस सिंड्रेला तुमने अपने इतनी तुम इंटेलिजेंट हो ड्रामों की प्रमोशन फुल प्रमोशन तालियां इसमें हो जाए भाई
चलो शोएब, अब आप जो इतना गेस करवा रहे थे ना, अब आप ये पकड़े, ये करें और मैं दूंगी औरंगजेब साहब को, ठीक है जी, कार्ड। लाउड है हाँ, चले जी जी, इधर शोएब, शोएब साहब सेटिंग में लगे, डायरेक्टर हैं, क्या करें, आदत से मजबूर था, काम भी नहीं कर रहे, तलक ऊपर से सही करो, चल जी Love. बताना नहीं, बोलना नहीं, चुप चुप, तलक, लव, माई लव, बिनाई, ब्लाइंड लव, ब्लाइंड लव, ये अच्छा बड़ा वैसे कैसे एक्टिंग ब्लाइंड लव की कोशिश की, मेरा डायरेक्टर हारे था अच्छा वैसे कैसे थी एक्टिंग ब्लाइंड लव की दोबारा करना और लव की कैसी एक्टिंग थी अच्छा जी अब कौन आएगा इधर से, अब औरंगजेब साहब, अब आप पहनेंगे, आ जाएं जी, आ जाएं, काम चले जी आपके ऊपर है दोनों कान में जी, चले जी चले, ठीक हो गए, ठीक हो गए, बोल लो थोड़ा, बोलो भी, हाउ आर यू, बोलना है ऊंचा, बोलना है, आड़ू आड़ू, थोड़ी एक्टिंग भी करके दिखाएं ताकि आसान, आलू बोल दिए, आड़ू आड़ू आलू दे दो, आलू का क्या ये आड़ू आड़ू, ये पहले मैंने आलू बोला था, आलू, वेरी गुड, चीटिंग लग रही है मुझे कि ये आपने वैसे नहीं, थोड़ा सा चलते, थोड़ा वाह जी वाह, अच्छा जी अब हम तलत को पहनाएंगे, चलें जी तलत, अब आप पहने ये लें, और आप हमारी जो सकीना है ये पूछेंगी, हाँ ये वाला तुम लोगों के लिए, अच्छा बोलना है, आहिस्ता नहीं करना, जैसे नॉर्मल, हाँ म्यूजिक तो आ रहा है इसीलिए तो म्यूजिक रखा है, ठीक है जी, चलो जी आ रहा है म्यूजिक, चले जी, तुम मेरे हो, तुम्हारा चीटिंग है, ठीक बोला ना, तुम मेरे हो, ये आपको समझता है, फौरन इशारे समझता है बातों में ना, ये इस चीज में फुल ट्रेंड है, मतलब बोल रही थी उसके होंठ से, यार ये आपको लग रहा है चीटिंग तो नहीं की इसने, वैसे वैसे मुझे मुझे लग रहा है ये चीटिंग है, दोबारा होगा, अगली दफा 25% नहीं देना, आपको प्रॉमिस है, मैंने 50% पूरा देना है, पूरा इसको पूरी पेमेंट की हुई है, अगले काफी 4-5 ड्रामों की, अच्छा जी अब तलत को दोबारा पहनाएंगे, तलत से ही गेस करवाएंगे, मतलब तलत ही गेस करेंगे, अच्छा जी उम्र ऐसी है कि खुर्रम अब आप करें, सुनते ही रहते हैं, ये ले जी, अच्छा म्यूजिक चल रहा है कि नहीं, देखें जरा शोएब पहले चेक करें म्यूजिक चल रहा है, ये तो मेरी पार्टी का ही चल रहा है, चल रहा है बस, चले जी, जी ये नीचे वाला, नीचे वाला पेन से जो लिखा, बहुत मुश्किल है, चीचों की मलियां, चीचों की मलियां, चीचों आप हमारी टीम में हैं, पूरा पूरा बोले पूरा, चीचों की मलियां, चीचों की फलियां, चीचों की मलियां, लड़कियों को इशारे करने वाला छोटी ईद पे वो जो स्टॉल नहीं लगाते हैं वो, मुझे लगता है लोग कान से सुनते हैं नाक से सुनते हैं, अच्छा जी वन लास्ट, अब एक लास्ट है और ये खुर्रम को लगवाते हैं हम, चले जी खुर्रम मैं सुन लूँ कुछ, हाँ म्यूजिक तो चल रहा है, चले जी ये खुर्रम को, और कौन करेगा लाइबा, आप करेंगी या कौन, किसकी रहेगी, तलता चले, ये वाला ये है ठीक है, पेन वाला, बस बोलना है, थाली होती ना थाली, नहीं ऊंची तो बोल, मैं ऊंचा बोल रहा हूँ, अब आवाज आ रही है, केला, क्या कह रहा है, बैंगन, 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 नहीं नहीं क्या, और ऐसे चीटिंग है, ऊंचा बोल भाई, ऊंचा बोल, उसका लिपसिंग नहीं है, अबे होंठ हिला भी, ये होंठ नहीं हिला रहा यार, इसको गेस नहीं कर सकता मैं, बैंगन, 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 फल, हाँ, नहीं ये सब्जी है, बैंगन, फल, बैंगन, मैं तो बता रहा हूँ, बैंगन, बेल, बैंगन, हाँ, बैंगन, 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 बैंगन,
मैंने पूरा एक्ट करके बताया, सही तरह नहीं कह रहा, तू एक्टर नहीं बन सकता भाई। पहले बता दूं ये डायरेक्टर साहब फैसला करेंगे, डायरेक्टर भी साथ बैठे हो, मेरे साथ है ना, मानना पड़ेगा। ये मैं कह दूं आप जो मर्जी कहे भाई, तलत को 100/100 फॉर जो ये चीज है एक्स्ट्रा। अच्छा जी, थैंक यू सो मच भाई। तो फैसला ये हुआ कि दोनों टीम्स ही माशाल्लाह से भाईचारे का मुजाहरा करते हुए विनर है। चलो भाई खत्म करो काम। अच्छा अब हमारे पास हमारी रोती हुई लड़की मौजूद है, रो रो के बेचारे, दिखाओ ना जरा बेचारी के हल्के भी पड़ गए। ठीक हो तुम? हाँ सही हो, हंसते हुए अच्छी नहीं लगती पता, रोते हुए अब अच्छी लगती। इधर आओ ना जरा मेरे साथ, इधर आओ, क्लैप्स हो जाए क्लैप्स। अच्छा अब सिचुएशन कुछ यूं है कि तुम रोती बहुत हो, ठीक है, तो अब मैं तुम्हें कुछ सिचुएशंस दूंगी, सिचुएशन कुछ यूं होंगी, मैं बैठ जाती हूँ बल्कि, ठीक है, मैं तुम्हें कि तुम इस कैमरे में देख के करना। अच्छा सिचुएशन कुछ यूं है कि पागल तुम्हें पागल खाने में जमा करा दिए, अब तुम हंसते हुए रोती हो, रोते हुए हंसती और कहती हो मैं पागल नहीं हूं। अब किस तरह आपकी क्लैप होगी और सकीना हमारी की एक्टिंग होगी जी? इतना इंटेंस माहौल होता है, तो हंस के रो और रो के हंसो। चलना ऐसे I don't want to cry, like seriously. अच्छा चलो हंसते हुए ब्रेक ले लो, बस छोड़ दो बाकी। हाँ हंसते हुए ब्रेक ले लेती हूँ, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कास्ट से हम बातचीत करें। अच्छा वो क्या खुर्रम था, फारिया गिर गई थी मरी के अंदर? गिर गई थी। ऐसा हुआ कि हम लोग इसका एक स्पेल मरी में भी था, तो उसके हम करने के लिए अभी पहुंचे ही हैं। तो फारिया मेरे से पहले जा पहुंच चुकी थी, मैं वैसे ज्यादातर सेट्स पे जाता नहीं हूँ, लेकिन उस दिन तफाकन मरी का स्टोर था, मैंने कहा चलो मैं भी हुआ था इस बीच में, तो मैं जैसे ही वहां पे पहुंचा तो ये अपने जहाँ पे हम ठहरे हुए थे तो वहां से वॉक करने के लिए निकली है, तो एकदम ऐसे आया जैसे कोई ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि वो तो आपको पता लग ही रहा होगा, एकदम ब्लास्ट हुआ। और मैंने पहले कहा यार छोड़ो पर You know, I mean, मतलब just ignore it. लेकिन एकदम फारिया मैं तो वहीं पे परेशान हो गया, मैंने कहा लो जी प्रोड्यूसर साहब गए, क्योंकि इतनी बड़ी टीम को साथ लेके जाना, पूरी हमारी प्रोडक्शन टीम मतलब टेक्निकल और आर्टिस्ट इवन जियाली, उनकी बड़ी मुश्किल से वो डेट्स मैनेज की हुई थी हमने, तो फिर बहरहाल लेकिन इसकी मैं मतलब ये बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, इसने मैंने इससे बात की जाके, तो इसने उस दिन रात को मेडिसिन ली, इंजेक्शन वगैरह लगवाया और इसने बड़ी हिम्मत की, इवन जितनी जोर से ये गिरी थी और इसको दर्द है वगैरह सारा कुछ थी, तो उस हिसाब से ये इज अ वेरी हार्ड वर्किंग नहीं बहुत बहादुर बच्चा है हमारा, शेर बच्चा है, जरा शेर नहीं, शाबाश मेरे शेर। मैं इतनी बुरी तरह से गिरी थी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो एक स्लोप वो इतनी स्लिपरी होगी, और मैं बिल्कुल ऐसे करके गिरी थी, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पे और क्या हो रहा है, और वो वाला तो नहीं था सिचुएशन, मैं किधर हूँ कहाँ हूँ। बचपन में चली गई थी स्कूल लाइफ में ना, स्लोपी वो देखे ना स्लाइड, इसे अगर ऐसा हो जाता अल्लाह माफी दे दे तो क्या होता। लाइबा तुमसे तो फायदा नहीं सवाल करने का, मियाँ ही दे दिया ड्रामे में, मियाँ दे दे बाकी रह क्या जाता, मतलब ऐसे क्या सवाल को हंस भी रही है, मतलब ये देखो भाई मैं लफ्ज नहीं मुझे मिल रहा कि मैं क्या इसकी इंटेलिजेंस। मैं तो पहले ही शादी नहीं करना चाह रही थी ना, फिर मैंने कहा चलो कर लिया तो दे दो, और कर ली पहले नहीं करनी थी, जब कर ली तो मियाँ यार ये चेक कर लो ऐसे नमूने नहीं मिलते आपको, ये आपको सकीना ड्रामा अच्छा, और एक मजे की बात है इसने ऐसे हंसते हंसते ही दे दिया ड्रामे में भी जैसे ये अभी हंस रही है आप, बड़ी तंग आई होगी। मैं भी फवाद पिछले दो ड्रामों से पीछे पड़ा हुआ था, तो फाइनली सकीना में मैंने उसकी बात मान ली, सिकंदर वाला ना रोते हुए आते हैं
हंसता हुआ नहीं जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर. हाँ मुकद्दर का. लेकिन इसमें भी कोई आई एम श्योर कोई ट्विस्ट एंड टर्न होगा. ऐसे कोई मियां नहीं देता मीनिंग प्लेट में दे देता. अच्छा जी सिचुएशंस हैं कुछ गेम के लिए तैयार हैं कि नहीं. अच्छा होगा कुछ यूं के टीम ए और टीम बी पहले तो दोनों जो हैं टीम्स के बीच में टाई हुए. अब ये होगा कि आप लोगों को एक लफ्ज दिया जाएगा या कोई फिल्म का नाम होगा या ड्रामे का नाम होगा कुछ भी हो सकता है और या कोई वैसे कोई छह लफ्ज हो सकता है और उसको आपने एक्ट आउट करना है. आपने बोलना नहीं. फॉर एग्जाम्पल आप अगर बात करें जीवा फिल्म की तो मैं जीवा की एक्टिंग करूंगी और आपने फिर उसको एक्ट आउट करके आपने पहचानना है. ठीक है जी. सो स्टार्ट कहां से करें यहां से या यहां से. कोई कह रहा है यहां से कोई कह रहा है वहां से. यहां से चले जी. ऑलराइट अब कौन आएगा यहां से. चलो तुम ही आ जाओ. आ जाओ आ जाओ जल्दी से. अच्छा जी अब तुमने बोलना नहीं चीटिंग की तो मैं तुम्हें बिल्कुल. चलो ये पकड़ो ये देखो उधर हो गया ताकि उसने पढ़ लिया. नहीं नहीं उस तुमने अपनी टीम को करवाना है. चलो जी. हां ये क्या है. माइंड दिमाग हेड बाल लेकिन वो छोड़ दें. चलो जी इधर इधर खड़ी थोड़ा सा दिखा दें. चलो जी. अच्छा एक ही लफ्ज है बस और बोलना नहीं है. चलो जी. ठोकर बिल्कुल सही. अच्छा इतना आसान था. अच्छा ये मैं तो औरंगजेब साहब के लिए बचा रही हूँ. अच्छा जी अब कौन आएगा. लाइबा तुम आ जाओ जी आ जाओ आ जाओ. अच्छा जी अब ये हाँ ये अब मुहावरा टाइप है. चलो ठीक है ये मैं बता रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी. आपको बताते जा रही हैं उनको आसानी पैदा हो जाएगी. चीटिंग हो रही है. अच्छा नहीं मुझे आप पैसे ना देना छोड़ जी. बहुत मुश्किल है इसको. एक्ट तो करो ना. बोलना नहीं है. हाँ बड़ा बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुबह नहीं. अच्छा छोड़ दो तुम इधर आओ. अब एक सेकंड तलत तुम आओ. एक सेकंड वेट करो और शोएब अब गेस करेंगे क्योंकि लाइबा तुमने नहीं बोलना. ठीक है ये ठीक है. चलो जी अब बोलो. अब बोलो. चलो जी शोएब सिर्फ गेस कर सकेंगे अब. मुहावरा है बीन बजाना. यस 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 यस. बिल्ली के आगे. ओह नो बिल्ली. बिल्ली के आगे कौन बताता है यार. ये तो बता दे यार. इस पे नंबर दे दो. यार ये किधर के हो रहा है. बैंक के नहीं जाना. बैंक यार कौन जाता है यार. इतना मैंने करके बताया यार. मेरे 12 बज गए मतलब यार. बिल्ली के आगे कदम से मैंने दो पॉइंट्स दे दिए. छोड़ दे आपसे मैंने पूछता ही नहीं अगला कदम. कभी मैंने नहीं कैसे ना फिर आप करेंगे. अच्छा चले ठीक है जी. फारिया नहीं बताएगी. नहीं नहीं फिर भी नहीं बताओगी. करेंगे छोड़ दें. मैंने देखा नहीं है बाकी में. चले हाँ इन इन उनको गैस करवाना. खुद उनको करेंगे. हाँ वो भी करेंगे ना. फारिया तुम तो खुरम के साथ खड़ी हो जाओ ताकि हो जाए. हाँ दो लव्ज हैं. लव तुमने नहीं बोलना. खुला भी साथ ही हो जाए. लव इन द एयर. फ्लाइंग लव. फ्लाइंग जैक. लव ये तो लव मतलब फौरन वहां पहुंच गए. हां जी मैं बताऊं. मैं बता सकता हूं. हमें दे चले. हां चले आप. लव बर्ड. बिल्कुल सही. भाई मैं मान गई हूँ. परिंदे तो मैं कह रहा था ना. उर्दू में परिंदे ही होता है. बर्ड्स को परिंदे ही कहते हैं. नहीं भूल गए ना. प्यारा परिंदा. मैं लव कहना चाह रहा था ना. प्यार प्यार परिंदे भी कहते हैं. ये अच्छा है कि प्यार कहना चाह रहा था. प्यार मिला ही नहीं. जी टीम ए इज द विनर. यार म्यूजिक तो बजा दो. फातर टीम वाला कोई म्यूजिक तो बजा दो. ऐसे थोड़ी ना होता. तुम भंगड़ा तो डाल दो कुछ. म्यूजिक बजाओ. सब डालते हैं ना. चले ही बात है.
क्लोजिंग आपने माशाल्लाह 1.5 मिनट लगाना होता है क्लोजिंग के लिए. वेरी नाइस. मेरी मेरे बैंड के लिए तालियां. बड़ा प्यारा ब्रांड है. अच्छा स्टाफ को बुलाना है. अच्छा बिल्कुल सही. खुर्रम आप बताएं किस किस को बुलाना है. आए इधर आए बताएं. बुला लेंगे ना दिल बड़ा हो जाए. हाँ शहरी जो के हमारे डीओपी हैं टीम के. हाँ. मैं चाहता हूँ कि वो भी आ जाएं. ठीक है शोएब आप भी साथ आ जाएं. आ जाएं शोएब आप भी आ जाएं. ओके और तालियों में इस्तकबाल करेंगे हम इन तमाम टीम मेंबर्स का. जी सर हम लोग बात करते हैं जब भी कुछ मतलब शो वगैरह होते हैं तो या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर वो कहते हैं उसकी लाइमलाइट आगे ले जाते हैं. डोमिनेट वो कर रहे होते हैं ज्यादा. वो बेसिकली पूरी टीम होती है पीछे. जितना शहरी हमारा डीओपी है तो बड़े मुश्किल हालात में बड़ी मुश्किल चीजों में फिर काम करना पड़ता है. फिर प्रोडक्शन मैनेजर हमारे हैं विकास. फिर आसिम भाई हैं. फिर स्पोर्ट में कोई भी हो पूरी टीम का काम. आप लोग भी आ जाएं. आ जाएं आ जाएं. अच्छा जी हम इनसे पहले स्टार्ट करेंगे. कैसा रहा है तजर्बा. आइएगा कैसा रहा. कितना कितना कुछ सीखने को मिला. कितना कुछ अपनी गलतियां इंसान आखिरी दम तक आखिरी सांस तक सीखता रहता है. तो ये वाला प्रोजेक्ट आपके बाकी प्रोजेक्ट से कितना डिफरेंट है. जो था ना सकीना जो था ये सबसे मुश्किल इसलिए था कि अंदरून में हम लोग शूट कर रहे हैं तो कोई ऐसी गली नहीं छोड़े जिसमें हमने शूट ना किया लेकिन थक गए. अच्छा जो भाई था उसमें तो इतना मसला नहीं हुआ. हाँ. लेकिन सबसे ज्यादा जो मसला हुआ वो हुआ सकीना में. अच्छा हर जगह पे कोई पार्टी की ऐसी लोकेशन नहीं छोड़ी जहाँ हमने शूट ना किया. अच्छा खाना भी उतना ही खाया होगा फिर. खाना तो कम खाया लेकिन टीम की बड़ी सपोर्ट थी. टीम की सपोर्ट थी गई. अच्छा जी आपके साथ हैं तशरीफ खड़े में कौन है ये. आसिम पेड़ रखे हैं चलना थोड़ा सा अंदर करके. ये आर्टिस्ट भी हैं. अच्छा मेरा तो बड़ी खुशकिस्मती कि मैं इस टीम के साथ काम करता हूँ. दो तीन प्ले किए हैं इसके पहले और इसके अभी अल्लाह के फजल करम से थाईलैंड में जो फिल्म की है वो मैंने एज ए लाइन प्रोड्यूसर की है. अच्छा और मैं बहुत खुश हूँ शेख भाई. तो बस इनका तो कोई जवाब ही नहीं है. गले मिल जाए ना फिर इस तरह जवाब नहीं है. अच्छा जी ये जी इनको दीजिएगा. इनका तारुफ कराइए जी सामने. मेरा नाम विकास है. जी जी मैं प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पे जॉब कर रहा हूँ. ठीक है तो प्रोडक्शन मैनेजर का तो बड़ा मुश्किल काम और जिम्मेदारी वाला काफी ज्यादा होता है. चेक्स देते थे कि नहीं टाइम पे. देते नहीं बातें ज्यादा सुनते थे लोग. ऐसी जॉब है सारा प्रेशर यानी हमारे एंड पे भी इसको पड़ता है और आर्टिस्ट के एंड पे भी ये ऐसी जॉब होती है जो किस्त पर. अच्छा तभी हर वक्त अभी मेकअप रूम में मैं देख रही थी बैक स्टेज में मुस्कुरा रहे थे. मैं कहूँ ये कौन है जो फजूल में मुस्कुरा रहे हैं. हाँ अच्छा बताइए किसने कोई ज्यादा रोला मचाया. सब अच्छे बहुत अच्छे से कोऑपरेटिव है सब एक्टर. सबने बहुत अच्छा एक्टर किया. आर्टिस्ट को हैंडल करने के लिए कोई आपके पास होता है तरीका कि भाई फलाना. वो भी डांटे तो फिर भी आते हैं. टेक्निक है. डांट किससे पड़ी. किसी से पड़ी. किसी से. कोई सब बहुत अच्छे. चलो वेरी गुड. जी आपके साथ है जी तन्वीर साहब. जी तन्वीर असिस्ट करता है इसको कैमरा में. आपका कैसा रहा. माशाल्लाह सब अच्छे हैं. खुर्रम भाई शोएब भाई शरी भाई सब इंशाल्लाह सब समझता हूँ उनके हर चीज के साथ. किसी चीज की लड़ाई कोई झगड़ा नहीं है. माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम. चल बहुत अच्छा बहुत अच्छा बोल रहा है. तेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे. अगली नौकरी इनकी पक्की प्लीज 25% से 50%. बहुत अच्छा बोला हमारे लिए. तेरे पैसे बढ़ गए. इनसे हम काफी बात करेंगे. जी मैं शेख भाई के बारे में दो चीजें जरूर बताना चाहूंगा. सब जानते हैं बड़े शरीफ हैं बड़े शर्मीले हैं बड़े अच्छे. लेकिन दो फ्लेवर इनके ऐसे हैं जो सामने नहीं आते. एक तो ये है कि जब गुस्से में आते हैं तो बहुत आला गुस्से में आते हैं किसी को पता नहीं चलता. अच्छा सिंपली कह देंगे आसिम बात सुनो मुझे ये बंदा सेट पर ऐसे नहीं चाहिए इसको समझा दो. अगर मेरा काम ठीक नहीं कर मैं उसे निकाल दूंगा बस जल्दी. इनका ये है. और एक अच्छा ये है कि बड़ी टेंशन में शूटिंग चल रही है. बड़ा रश है जो अभी कम हो रहा है. फाइनल शॉट हम भी टेंशन हो जा रहा है जल्दी पैकअप हो जाए. तो एकदम से हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये मैं करके दिखाऊंगा. और पीछे से भाई माइक हमें ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद वापस आएंगे. आप ना वो वाला डांस करते हुए ब्रेक हम जा रहे हैं इधर कर लें बीच में खड़े हो वो जो ये शोएब करते हैं. हाँ इधर करें. चल इधर बीच में इधर खड़े हो. चले जी 1 2 3 गो. ब्रेक पे जाएंगे इस डांस से. जी सकीना ड्रामा सीरियल ए प्लस की स्क्रीन की जीनत बन चुका है. मंडे टू थर्सडे आप इसको देखते हैं एंड ट्रेमेंडस एंड अमेजिंग रिस्पांस हम रिसीव कर रहे हैं. अच्छा शोएब मंडे टू थर्सडे यानी मंडे ट्यूजडे 4 दिन. अदरवाइज तो होता है कि हफ्ते में 1 दिन ड्रामे का इंतजार होता है लेकिन हफ्ते में 4 दिन ड्रामा बनाना तो इसकी शूटिंग
कितने अरसे में कंप्लीट हुई और इसकी कितनी एपिसोड्स हैं टोटल? इसकी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कोई 22 एपिसोड होंगी इसकी. ठीक है. और तकरीबन 45-50 डेज का स्पेल था हमारा. ठीक है. जो सारा हमने किया शूट को. अच्छा, कोई कहीं पे डिले आया क्या आपने प्लान किया? क्योंकि आउटडोर के अंदर कभी मौसम खराब हो जाता है, कभी कोई चीज ना पहुंचे, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल होता है. आपके हिसाब से चीजें नहीं चल रही थी. इनडोर तो स्टूडियो में चले आप चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह की कोई बात हुई इसकी? थोड़ा सा पैच वर्क इसका है वो, मतलब एक दो दिन का उसमें थोड़ी सी एक दो, मतलब ऑब्वियसली जब डेट्स का थोड़ा इशू होता है, बाद डेट्स नहीं होती तो वो उसमें थोड़ा सा है, वो होपफुली एक दो दिन में हम कर लेंगे, अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, मैं इसमें एक बात थोड़ी सी ऐड करता चलूँ, इसके जो एपिसोड है ना वो तकरीबन 44 से 46 हैं. अच्छा. क्योंकि ये बेसिकली जब स्क्रिप्ट आया था तो वो एक सीरियल की तरह था, लेकिन अब ये क्योंकि हाफ एन आवर का चला तो ये शॉप के अंदर, तो इस वजह से इसके तकरीबन 44 से 46 एपिसोड्स हैं. 44 एपिसोड्स हैं. मैंने कहा मैं बता दूं ताकि ये ना हो कि लोग 22 एपिसोड के बाद देखना बंद कर दें. नहीं शोएब, वो तो 44 एपिसोड्स हैं और ये बड़ी मेहनत का काम होता है. मैं जो मेंशन करना चाह रही थी कि मंडे टू थर्सडे यानी चार दिन आपका, और आपको एक ट्रीट मिलती है हफ्ते में, चार दिन आप अपना फेवरेट ड्रामा सीरियल देख सकते हैं. रिपीट टाइमिंग्स भी इसके जो है आपको हम बताएंगे. अच्छा लैबा, मुझे बताओ कि ये काम या ये रोल तुम्हारा बाकी रोल से कितना डिफरेंट है? ये मेरा फर्स्ट प्ले था, मतलब इस तरह से लाइक पहले किया लेकिन बहुत कम कम काम किया, लेकिन ये एक था कि मुझे बहुत फोकस था और सब चीजें थी, और शबीर जान साहब की मैं बेटी थी और वो काफी सीनियर थे और उनके सामने एक्टिंग करना थोड़ा मुश्किल होता था. दिल घबराया बहुत, लाइक अगर मुझे उनके साथ कुछ गुस्से में बोलना है तो मुझे होता था कि थप्पड़ ही ना मार दे मुझे, लेकिन वो खुद सिखा रहे होते थे, खुद बता रहे होते थे, तो अच्छा एक्सपीरियंस. लाइंस भूली तुमने? हाँ भूलती थी काफी बार. आप पूछे लाइन्स याद होती थी? याद होती थी. टेक कितने लिए? इतने ज़्यादा? नहीं, शुरू शुरू में था इसका मसला. ऑब्वियसली जब कोई आप फर्स्ट टाइम करते हो तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन टाइम के साथ इसने और कम कर लिया था. अच्छा, लेकिन हो गया. एंड व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? टेक्स वगैरह दी तुमने कि नहीं? लेकिन तुम्हारे लिए तो एक रेगुलर का है. नहीं, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया. और सकीना की अच्छी बात ये कि मैंने ज्यादातर जितने कैरेक्टर्स किए उसमें बड़ी सिंपल रही, इसमें मुझे तैयार होने का मौका बहुत मिला है. अच्छा. हाँ, तो मुझे बड़ी खुशी है कि चलो कहीं ना कहीं मैं अच्छी दिखूंगी. मैंने जो ग्लैमरस लुक और मॉडर्न भी और अच्छा वाला मेकअप भी, अच्छे वाले कपड़े भी पहने और शोएब ने मुझे बहुत प्यारा दिखाया. अच्छा, ड्रेस डिजाइनिंग का बताओ, शोएब ने हेल्प की तुम लड़कियों की खास तौर पे या तुम लोगों ने खुद? ही वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट. हमें भेज रहे हैं मेकअप के लिए और सब चीजों, खर्चा करवाया खुर्रम आपका तो, मतलब मेकअप के लिए बाहर भेज रहे हैं. लेकिन औरंगजेब साहब, मैं जरूर ये जानना चाहूंगी नई जनरेशन के साथ काम करके आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छे लोग हैं. शुरू शुरू में ये आए थे ना नए बच्चे, तो एक दिन इनका ड्रामा चलता था, दूसरे दिन लोग पहचानने लग जाते थे, इनमें आकर आ गई. तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ वक्त गुजरा तो इन्हें समझ आई कि नहीं, ये तो काम है, इसको सीखना भी होता है और सीनियर भी कुछ होते हैं. अब माशाल्लाह ये जो बच्चे आए हैं ये बड़े बादब हैं और बड़ा एहतराम भी करते हैं, और ये पूछते रहते हैं कि क्या कैसे करें कैसे ना करें, कोई अगर कमी है तो बताओ, तो खुशी से उसको रिसीव भी करते हैं. अच्छा, आप उनमें से हैं जो बताते हैं खुद या यू वेट फॉर द अदर पर्सन के? कोशिश कर नहीं, बाद में बताएं तो नाराज भी हो जाते हैं. तो देख लेते हैं अगले का रवैया कि अदब भी नहीं कर रहा, अगला बताएंगे क्या होता है. हाँ. मगर जो अदब करते हैं और लगता है कि अच्छे हैं, रिसीव कर लेंगे, तो वी लव टू टेल देम जितना हमें पता होता है, क्योंकि हम ट्रायल एंड एरर से सीखे हैं. कोई एकेडमी तो है नहीं. बिल्कुल सही. कोई सिखाने वाला ऐसा है? सच तो हमारा टीचर ही होता है. ऐसे खुद ही किया, खुद ही सीखा, खुद ही देखा, खुद ही अपने आप को मेंट किया, तो वो ट्रायल एंड एरर का एक जो प्रोसेस हमें गुजरा है. कई चीजें ऐसी हैं जो 10-10 साल काम करने के बाद हमें पता चली. तो हम बच्चों को चाहते हैं कि जल्दी बता दें, इनका वो सफर तो जल्दी तय हो जाए. तो वी लाइक टू टेल देम ऑल, बड़ा अच्छा है कि वो रिसीव करते हैं. लेकिन ये बच्चे बच्चियां अच्छी हैं. हाँ, पढ़े लिखे, हाँ, पढ़े लिखे, हाँ, बच्चे आ रहे हैं, तो वन एज. ये अभी पिछली जनरेशन और इस जनरेशन में ये फर्क है कि पहले जो काम करते थे फिल्म इंडस्ट्री से जो लोग अक्सर आए और ऐसे, तो इतनी तालीम पर तवज्जो नहीं थी. अब माशाल्लाह जो आ रहे हैं वो पढ़े लिखे हैं, कल्चर्ड हैं, अच्छे खानदान से, अच्छे घरों से, इस तरह से काम हो रहा है, क्योंकि एक डायरेक्टर्स भी पढ़े लिखे आ रहे हैं. शेर साहब आपकी तारीफ कर रहा हूँ, तो साथ कोई बैठा हुआ अगर रिएक्ट नहीं कर रहा होता ना तो कहते शेर भाई, कहते हैं ना कि भाई आप ये बोल रहे हैं यार, आगे से चुप बैठे हो तुम, कुछ तो रिएक्शन तो दो यार. तो मैं इनको भी कह रहा था मैं अब आपकी तारीफ कर रहा हूँ. नहीं, लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बड़ों से सीखने का मौका मिलता है. आपके पास
چونکہ آپ لوگ خود انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتے ہیں, یہ بچے بچیاں یہ جتنے نئے آنے والے ہیں آپ لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور ایک چیز میں نے ہمیشہ یہ دیکھی ہے کہ گرومنگ میٹرز اے لاٹ, اور آپ آخری سانس تک, آئی ایم شیور آپ بھی اگری کرو گے, آپ بھی کرو گے, آپ آخری سانس تک سیکھتے رہتے ہو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ میں پرفیکٹ ہوں, اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں. یہ چیز اکنالج کریں, اکنالج کر لیں گے تو آپ یہاں پہنچ جائیں گے, نہیں کریں گے تو بس پھر وہ کچھ عرصے کے لیے یہاں تک پہنچیں گے, پھر ٹھا کر کے گر بھی جائیں گے. اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے لوگوں کو دیکھا بھی ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو, تھینک یو. ہوئے ہوئے ہوئے, تھکا دیا بھی تم لوگوں نے, تو پانی پی لوں میں. کل تم تب تک ذرا لائیو ہے نا شو, تو بیچ نہیں تو صحیح نہ کرو, تھینک یو کرو, میں پانی تو پی لوں. تھینک یو کس کا کروں میں, آڈینس کا کر لو, آڈینس کا کرنا تھا بھائی. تھینک یو آپ سب لوگوں کا. اچھا ویسے میں نا میں ویسے نا اس کی فین ہوگی, میں نے سوچ لیا نہیں اس کو ہم نے ایک ٹیم ممبر بنا لیا, یہ کچھ نہیں کرے گا بس یہ بولے گا, یہ میں نے سوچ لیا بھائی, اس کو ڈیزگنیشن میں دوں گی. تھینک یو سو مچ. سکینہ ڈراما سیریل منڈے ٹو تھرسڈے اے پلس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اینڈ بہت پازیٹیو رسپانس مل رہا ہے. آج ہم نے کوشش کی کہ وہ تمام باتیں جو بہائنڈ دا سینز ہوتی ہیں ہم ان ٹیم ممبر سے پوچھ سکیں. تھینک یو کرم اور انجیت صاحب, تھینک یو سو مچ. تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو تلت, تھینک یو سو مچ. اینڈ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور جانے سے پہلے تلت کی آواز میں خوبصورت سا پھڑکتا ہوا گانا گائیں. رومانٹک ہے, رومانٹک اچھا ہے, اچھا سننے میں اچھا لگے گا, اس کی عمر کے اندر ایسا ہی ہونا چاہیے. چلے جی آ جائیں. چنا وی چنا, 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 ایک پل چین نہ آوے وے میرا, دل گھبراوے تیری یاد ستاوے, چنا وی چنا, چنا وے چنا. سامنے بٹھا کے تینو کرائے نا پیار وے, جد بھی تو منگے میں نہ کرائے نکار وے,